सो हे गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू माय चैनल झारखंड लैब। तो गाइस, यहाँ पे देखिए गाइस, एक अपडेट आया हुआ आप लोग के लिए 2024 की परीक्षा को लेकर के। एंड ये अपडेट काफी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे आप लोग जानोगे परीक्षा पैटर्न क्या होगा। आप लोग का जो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक जो रिलीज होने वाला है JCERT की तरफ से, उनमें से जो आप लोग का है कौन कौन सा सब्जेक्ट का आएगा एंड और डिटेल्स बहुत सारी चीजें बताने वाला वीडियो में। तो वीडियो को आप लोग कंप्लीटली देखते रहिएगा, ठीक है। एंड इसका न्यूज जो है, आप लोग को जो न्यूज ये वाला आया हुआ है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा, तो आप लोग वहां चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पे देखिए, मैट्रिक और इंटर परीक्षा 2024 के छात्र छात्राओं की तैयारी में होगी सहूलियत। 10वीं और 12वीं की तैयारी के लिए किए जा रहे विस्तृत प्रश्न व उत्तर बैंक, यानी कि जो है आप लोग 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए जो है क्वेश्चन बैंक, यानी कि प्रश्न और उसका उत्तर भी यहाँ पे आप लोग को दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या बताया जा रहा है, झारखंड राज्य मैट्रिक और इंटरमीडिएट का क्वेश्चन बैंक और उसके उत्तर तैयार कर रही है। 2024 में झारखंड अकेडमिक काउंसिल जैक से मैट्रिक और इंटरमीडिएट की परीक्षा देने वाले छात्र छात्राओं को इससे सहूलियत होगी। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद क्वेश्चन बैंक और उत्तर तैयार किया है, मतलब क्वेश्चन बैंक और उत्तर भी तैयार कर लिया गया है। मतलब यहाँ पे बोला जा रहा है, इनके कहने के तरीके से चल रहा है कि जो है आप लोग का मैट्रिक और इंटर के परीक्षा 2024 के लिए जो है क्वेश्चन बैंक को रेडी कर लिया गया है और उसका उत्तर भी रेडी कर लिया गया है और इसको जो है JCERT की तरफ से रेडी किया गया, ठीक है। JCERT ने प्रश्न पत्र उसके उत्तर को रिचेक किया जा रहा है, मतलब जो है JCERT का जो प्रश्न पत्र है अभी आप, मतलब क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन और उसके उत्तर को रिचेक किया जा रहा है। यह क्वेश्चन बैंक सभी विषयों के पाठ्य पुस्तक के चैप्टर्स से संभावित प्रश्नों को तैयार किया गया है। ऑब्जेक्टिव लघु उत्तरी साथ साथ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें रखे गए हैं, यानी कि बोला जा रहा है JCERT की तरफ से आप लोग का जो क्वेश्चन बैंक रेडी हुआ है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन रेडी किए गए हैं जो आ सकते हैं, संभावित प्रश्नों को तैयार किया गया, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव शॉर्ट टर्म शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप सारे क्वेश्चंस को रखे गए हैं। प्रश्नों के साथ साथ उसके उत्तर भी हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट तीनों संकाय के छात्र छात्रा इसमें अभ्यास कर सकेंगे, यानी कि जो है मैट्रिक और इंटर साइंस कुमार सर सभी के लिए, जिसमें 2024 में होने वाले मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में लगभग लाभ मिलेगी। प्रश्न पत्र वर्तमान परीक्षा के पैटर्न पर तैयार किए गए, यानी कि जो प्रश्न पत्र है वो वर्तमान, यानी कि अभी जो आप लोग का करंट इस बार 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसी पैटर्न पे आप लोग का रेडी किया गया। छात्र छात्राओं को कराए जाएंगे उपलब्ध, मैट्रिक और इंटर के छात्र छात्राओं को क्वेश्चन बैंक व उसके उत्तर उपलब्ध कराए जाएंगे। प्रश्न और उत्तर बुक को भी तैयार किए जा रहे हैं ताकि छात्र छात्राओं को उपलब्ध कराया जा सके। JCERT इसे ऑनलाइन भी उपलब्ध कराएगा। क्वेश्चन बैंक और JCERT की वेबसाइट के साथ साथ JPSC और जिला शिक्षा की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा, यानी कि बोला जा रहा है कि ये जो है क्वेश्चन बैंक बुक के माध्यम से और ऑनलाइन दोनों तरीके से अवेलेबल होगा। और ये जो है JCERT की ऑफिशियल वेबसाइट, JPSC और जिला शिक्षा के वेबसाइट पर अवेलेबल होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, परीक्षा से पहले जैक जो है निकालेगा मॉडल प्रश्न पत्र और आप लोग का जो है मॉडल प्रश्न पत्र भी रिलीज किया जाएगा। और देखिए, यहाँ पे अंतिम 2 महीने वो इसका रिवीजन भी कर सकेंगे, यानी कि जो है आप लोग का मॉडल पेपर तो आप लोग को पता है कि एग्जाम से 1 या 2 या 3 महीने, मतलब 2 महीने मान के चलो तो पहले देते हैं, या फिर आप लोग का मे बी जैसे कि फरवरी मार्च में होगा तो दिसंबर तक में मॉडल पेपर, या फिर जनवरी में आप लोग का रिलीज कर दिया जाएगा मॉडल पेपर, ठीक है। उसी प्रकार से बोला जाए मैट्रिक और इंटर की परीक्षा 2024 में शुरू होगी, इससे पहले जैक मॉडल प्रश्न पत्र उसके उत्तर भी निकालेगा, जो कि आप लोग को केवल ऑब्जेक्टिव का दिया जाता है, बोलता तो सब है बट सब्जेक्टिव का कभी आया नहीं है, ठीक है, मे बी इस बार आ जाए। यह प्रश्न तैयार किए जा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक में पूछे भी जा सकेंगे। 10वीं और 12वीं छात्र छात्र स्कूल में जिस तरह से चैप्टर पढ़ाई करेंगे उसी तरह प्रश्नों व उत्तर का अभ्यास कर सकेंगे, इससे सिलेबस पूरा होने के बाद तैयारी भी हो जाएगी। अंतिम 2 महीने में इसका रिविजन भी कर सकेंगे। JCERT जो है किन किन सब्जेक्ट्स का आप लोग का यहाँ पे रिलीज करेगा, 10वीं 10वीं में देखिए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, गणित, हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी विषय का आप लोग का प्रश्न और उत्तर तैयार किए जा रहे हैं। वही 12वीं में देखिए भौतिक, फिजिक्स, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, गणित, इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, भूगोल, अकाउंटेंसी, बिजनेस मैथमेटिक्स, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश हिंदी कोर, हिंदी इलेक्टिव के प्रश्न और उत्तर तैयार किए जा रहे हैं, यानी इन सब्जेक्ट्स का आप लोग का रिलीज किया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी कि यहाँ पे आप लोग का जो क्वेश्चन बैंक आप लोग का JCERT की ऑफिशियल वेबसाइट और JPSC का ऑफिशियल वेबसाइट और जिला शिक्षा के ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग को देखने को मिलेगा। तो आप लोग को टेंशन लेने का कोई नीड नहीं है, ठीक है। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम पे ज्वाइन कर रखिए, जैसे ही ऑनलाइन आता है या फिर ऑफलाइन भी आएगा, देखो ऑफलाइन आएगा तो हो सकता है आपके स्कूल से मिलेगा, तो बुक रहेगा तो बुक को हम पर्सनली डिलीवर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग को अगर ऑनलाइन आता है जो उसका PDF आएगा प्रॉपर, वो हम आपको जरूर से प्रोवाइड करा देंगे। तो उस चीज के लिए आप हमें फॉलो कर रखिए ताकि जैसे ही आता है हम आप लोग को प्रोवाइड करा देंगे। और इसी प्रकार से जैक बोर्ड के लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमें फॉलो कर सकते हैं
और इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाकर के इस न्यूज को पूरा पढ़ सकते हैं। और ये पेपर अगर आपको चाहिए तो ये पेपर भी नीचे लिंक जो दिया हुआ है उसी में अटैच किया हुआ है, तो आप लोग उसको ओपन कीजिए और पेपर आप लोग भी अपने से पढ़िए और समझिए। कोई दिक्कत आती है तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। सिलेबस आप लोग का जो पहले रिलीज हुआ है वही रहेगा, क्वेश्चन पैटर्न जो पहले रिलीज हुआ है वही रहेगा, यानी कि 2023 में जिस प्रकार से पढ़ाई हुई उसी प्रकार से आप लोग का सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न रहेगा इस बार, तो आप लोग को टेंशन लेने का कोई नीड नहीं है। आप लोग अगर सिलेबस का भी अगर जाओगे जैसे कि गूगल में आओगे, ठीक है, और सर्च करोगे जैक 12th सिलेबस 2024, ठीक है, ऐसा सर्च करोगे तो आप लोग को जो है यहाँ पे मैं आप लोग बता दूं कि आप लोग झारखंडलैब.com को विजिट कीजिएगा, ठीक है, और बात बाकी अगर मुझे नहीं पता आप झारखंडलैब.com को ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद आप लोग जो है देखिए यहाँ पे व्हाट्सअप का, टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, जहां भी फॉलो करना है फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन करना कर सकते हो। यहाँ पे जो सिलेबस का लिंक दिया हुआ है वो प्रीवियस ईयर का है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिए क्योंकि सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, तो हम भी इसी को प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि अगर कोई विद्यार्थी 2024 को लेकर अगर सर्च करे तो उनको सही रिजल्ट मिल पाए, ठीक है, इसलिए हम लोगों ने इस तरीके से काम किया कि आप लोग को सहूलियत हो सके, ठीक है। तो आप लोग इस सिलेबस इसी सिलेबस से पढ़नी है आपको तो डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी प्रकार से अगर आप लोग नाइन्थ का या फिर नाइन्थ वगैरह का भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहीं पर मैंने लिंक सारे का दे दिया है, तो आप लोग अगर इजिली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इस न्यूज को पढ़ना है सिंपली आप लोग झारखंडलैब.com के होम पेज पे आइएगा और फर्स्ट में आपको मिल जाएगा अभी इसका लिंक, ठीक है, इसको ओपन कीजिएगा एंड ओपन करने के बाद आप लोग पूरा पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए इस पेपर को मैंने लगा दिया, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप गाइस की वीडियो आप लोग अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई डाउट कोई कंफ्यूजन कुछ भी रह रहा हो तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।